विद्युत विभाग की तानाशाही पर किसानों में गहन आक्रोश है। खबर बाग की है। बाग ब्लॉक में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने भाजपा मंडल बाग व टांडा के नेतृत्व में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिल भर दिए जाने के बावजूद रबी फसल की बुआई के दौरान सारे गांव की विद्युत आपूर्ति बंद कर दिए जाने पर कार्यालय पर पहुंचकर विभाग के सहायक अभियंता के समक्ष गहन रोष प्रकट किया है। कुछ लोगों द्वारा बिजली के बिल नहीं भरे जाने पर सारे गांव की बिजली काट देना किसानों ने विद्युत मंडल की तानाशाही बताया है। बिजली काट दिए जाने से आक्रोशित किसानों को लेकर बाग व टांडा मंडल भाजपा नेताओं ने विद्युत कंपनी के स्थानीय अधिकारी पटेल के समक्ष रोष प्रकट करते हुए भुगतान कर चुके किसानों को विद्युत आपूर्ति तत्काल बहाल करने की बात कही है। किसानों के प्रतिनिधिमंडल में बाग मंडल भाजपा अध्यक्ष कैलाश झाबा, टांडा मंडल अध्यक्ष अमित सिंह, महामंत्री सुरेश सिसोदिया, गुरु भाई जाली, भाजपा नेता श्याम उस्ताद, ब्रज जाजू, नीलेश सोठिया के अलावा ग्राम करकदा, चिकापोटी, अखाड़ा, झावा, खेरवा, आगर, घटबोरी, गरडी, अम्बा सोठी, वर्धा सहित कई ग्रामों के किसान शामिल हुए। इस दौरान हमारे संवाददाता ने सहायक अभियंता लोकेंद्र पटेल से भी बात की। क्या नाम है आपका? सुरेश सिसोदिया। ये विद्युत मंडल के बाहर इतनी बड़ी संख्या में किसान लोग आए हुए हैं, क्या समस्या है इनकी? यहाँ पे क्या हुआ कि अभी पूरे गांव के गांव सकारी, चिकापोटी, झाबा, अखाड़ा और टांडा एरिया और खेरवा में पूरी गांव गांव लाइट काट दी गई। उसमें बहुत सारे किसान जो जिन लोगों ने स्थाई का पैसा भी जमा किया है वो एक्सटेंशन में लिए हैं, लेकिन मान लो 4 से 5 किसान ने अगर पैसा जमा नहीं किया है फिर भी इन लोगों ने पूरे गांव की लाइट काट दी, जो कि अनुचित है। भाई उन 4 लोगों का जो दोष है वो पूरे किसानों को क्यों मिले? क्योंकि अभी जो परवार रबी के फसल का सीजन है और सब लोगों ने गेहूं और चने की बुआई कर रखी है और इसका लाइट अगर कटेगी तो फिर फसल का नुकसान होगा तो किसान क्या करेगा? विद्युत मंडल के अधिकारी ने क्या जवाब दिया आपको? वो अधिकारी कह रहा है कि पर पैसा जमा नहीं किया, इसका लाइट काटी है, टारगेट दिया ऊपर से और पैसा जमा नहीं हो रहा है इसलिए लाइट काटी है, लेकिन ये गलत बात है। किसान लोगों ने पैसा जमा किया है, उसके बाद भी क्या हुआ, बहुत से लाइनमैन जो होते हैं गांव के, पैसा जमा करने के बाद भी लाइनमैनों ने पैसा वापिस जमा नहीं किया, जिस कारण खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान लोग यहाँ आए, किसानों का कहना है सर कि व्यक्तिगत कुछ लोगों ने बिल नहीं भरने के कारण विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सारे गांवों की लाइट बंद कर दी गई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? लाइट इसलिए बंद कर गई है कि कई जगह पे अभी भी सिंगल घरेलू बत्ती के जो बिल है वो भी अभी तक वसूल नहीं हो पा रहे हैं, और साथ में क्या है पीसी कनेक्शन जो हमारे अस्थायी कनेक्शन होते हैं रबी सीजन के, क्योंकि फीडरों पर लोड बढ़ता जा रहा है और कई हद तक लोग मोटरें रख दिए। उस संबंध में चर्चा भी की जा चुकी है पहले कि टेम्परेरी बनने का, तारीख भी दी जा चुकी थी, क्योंकि ये दिवाली बाद सब लोगों ने कमिटमेंट दिया था बनने का, दिवाली भी निकल गई इसलिए हमने बंद करने कार्रवाई चालू की। जैसे जैसे उसका पैसा आता जाएगा डीसी का और सिंगल बत्ती का तो चीजें चालू कर देंगे वापस। जिन लोगों ने सर ईमानदारी से अपने बिल भर दिए हैं, उनके पास स्थायी कनेक्शन है, उन लोगों को बिजली काटना ये क्या न्याय संगत काम है सर? नहीं, उनके कनेक्शन अभी कुछ कुछ जगह पे चल रहे हैं। नहीं, पूरे गांव की लाइट आपने काटी है ना सर? वो मैं दिखवा लेता हूँ। उनके पे सबके कट गए है। अभी रबी की फसल गेहूं की बोने का समय है और बड़ी संख्या में किसान परेशान हो रहे हैं। प्रत्येक भाई लोग जिन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा उनका खामियाजा ईमानदार उपभोक्ता क्यों भरा सर? देखो ऐसा नहीं है, जिन जिन जगह से पैसा नहीं आया उन्हीं उन्हीं जगह की बिजली काटी गई। नहीं, जब तो पूरा गांव से तो काटे सर आपने, झाबा, खेरवा, अखाड़ा, ककारी, करंदा, अगर स्थाई अगर वो कट चुकी है तो मैं उसको जोड़वा दूंगा। तो उसको आप आज जोड़वाएंगे? हाँ, मैं आज जोड़वा दूंगा उसको। जहाँ जहाँ पे स्थाई की बता रहे हैं केवल उन्हीं का जुड़ेगा जिनका स्थाई का है और जिनका सिंगल बत्ती का बिल जमा है उनका हम वापस से जुड़वा देंगे, जिनका जमा नहीं है तो वो नहीं जुड़ेगा। ग्रामीण किसानों द्वारा कहा जा रहा है कि उनके बिल वसूल करने के लिए लाइन में आते हैं और उन्हें पैसा लेकर रसीद नहीं देते, इस बारे में क्या कहना? रसीद का इस बार का ऐसा हो रहा है कि हमें इस बार कूपन ही दिए गए, जो बिल भरते हैं हम ऑनलाइन डोर टू डोर के थ्रू हम वसूलते हैं, तो उसको ऑनलाइन पंचिंग करके अगर किसी भी उपभोक्ता को ऐसा लग रहा है तो उसको रसीद नहीं मिल रही है वो ऑफिस आके हमसे संपर्क कर सकता है। ये है अखबार जगत सच का दर्पण, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीजिए इंतजार।